हाँ जी सब भाई, कैसे हो भाई? ये रेडिएटर है, ये इसको कटिंग करके क्लीन करना है, टैंक कटिंग करना है इसका। टैंक कटिंग करके इसको सर्विस करने का, रेडिएटर को हम बिल्कुल साथ में कटिंग करेंगे, प्लेट के बिल्कुल साथ में, यहाँ पे पहले वेल्डिंग हुआ वहीं से कटिंग करेंगे अभी। ये देखिए रेडिएटर हमने क्लीन कर दिया है, टैंक को क्लीन करना बाकी है, तो लगाएंगे हम अभी टैंक वेल्डिंग करेंगे। देखिए अभी चारों कोना में हमने थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग मार के टैंक को अटका के फिट करना शुरू कर दिया। वेल्डिंग चल रही है अभी, इसमें 2.4 mm की राड चल रही है, आप देख सकते हो। लास्ट तक वीडियो देखिए, क्लैरिटी आपको लास्ट में दिखेगी। अभी उसके ऊपर फ्लैक्स रहता है, वेल्डिंग करने के टाइम में फ्लैक्स निकालना पड़ता है। जैसे ही वेल्डिंग होता है उसके ऊपर पानी मार दीजिए गर्म गर्म पे, फ्लैक्स निकल जाता है, छूट जाता है फ्लैक्स। ठीक है, ज़्यादा वीडियोस देखें, चैनल पे जाएं मेरे और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस मिलती रहेगी आपको। एल्युमिनियम वेल्डिंग की, रेडिएटर के पाइप वगैरह, वेल्डिंग पूरा एसी पाइप सब वीडियोस है चैनल पे, कंडेंसर वगैरह की आप जाके देख सकते हो। वेल्डिंग हो गया, क्लैरिटी आप देख सकते हो। ये थोड़ा सन आ रहा है, धूप आ रही है तो नहीं दिख रहा। ये देखिए चेक करिए, बिल्कुल बारीक पतला वेल्डिंग, एक ही लेवल पे वेल्डिंग चली है। ठीक है, थोड़ा फ्लैक्स की वजह से ऐसे दाग आएगा। ये देखिए वेल्डिंग, आप हाथ वहाँ पे रखोगे तो बिल्कुल एक लेवल की वेल्डिंग रहती है, बिल्कुल शोल्डरिंग वेल्डिंग जैसे हम करते हैं ब्रास के रेडिएटर को, वैसे सेम सेम वेल्डिंग रहती है। ये भी आप चेक कर सकते हो, दूसरा साइड दिखा देते हैं। ये देखिए दाग है, ये फ्लैक्स का रहता है, कोई इशू नहीं है। वेल्डिंग प्रॉपर एकदम पतला बारीक वेल्डिंग आता है, चेक कर सकते हो। वेल्डिंग नज़दीक से चेक करवा देते हैं। चेक करिए वेल्डिंग, देखिए प्रॉपर वेल्डिंग है।